हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन और आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे रोचक तथ्य जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, जब भी कहीं कोई विमान हादसे का शिकार होता है तो जांचकर्ता उस विमान में मौजूद ब्लैक बॉक्स को खोजते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके आखिर ये विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ है। चूंकि इस डिवाइस का नाम ब्लैक बॉक्स है, इसलिए सबको ऐसा लगता है यह डिवाइस ब्लैक कलर का होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के हर विमान में लगे ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। आपको बता दें, यह किसी भी विमान का दिशा, ऊंचाई, ईंधन और तापमान जैसे 88 तरह के आंकड़ों पर रिकॉर्ड रखता है। फैक्ट नंबर 9, आपने ऐसी बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन एक ऐसी किताब है जो अपनी महंगी कीमत की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लियोनार्डो द विंची द्वारा लिखित द कोडेक्स ऑफ लाइसेस्टर एक साइंटिफिक जर्नल है जो अपनी बेहद महंगी कीमत हेतु फेमस है। 11 नवंबर 1994 में न्यूयॉर्क के एक ऑक्शन में इसे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने 3,08,2,500 US डॉलर में खरीदा था। यह बुक आज दुनिया के सबसे महंगी किताबों में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 1, हम सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि बिल्कुल सही भी है क्योंकि हम सभी स्थानों की ऊंचाई को सी लेवल से मापते हैं। लेकिन अगर सी लेवल को छोड़ दिया जाए तो हवाई में मौजूद एक ऐसा पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से भी काफ़ी ऊंचा है। जहां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई केवल 8,848 मीटर है, वही हवाई के मौना केया पर्वत की ऊंचाई 10,200 मीटर से भी अधिक है, लेकिन इसका 65% से भी अधिक हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ है, जिसके कारण इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत का दर्जा प्राप्त नहीं है। फैक्ट नंबर 7, प्रशांत महासागर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल महासागर है और दुनिया की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच भी इसी महासागर में मौजूद है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह इतना बड़ा और विशाल है कि पृथ्वी पर मौजूद कुल स्थलभाग से भी यह काफ़ी बड़ा है। पृथ्वी के कुल भूभाग के 29% भाग पर स्थल है, जबकि प्रशांत महासागर इससे भी 1% ज़्यादा अर्थात कुल 30% भाग पर फैला हुआ है। इस बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि प्रशांत महासागर कितना बड़ा और विशाल है। फैक्ट नंबर 6, आपने जम्मू कश्मीर में तैरते हुए पोस्ट ऑफिस के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि यह हर वक्त पानी के ऊपर तैरता रहता है। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसे पोस्ट ऑफिस के बारे में सुना है जो पानी के अंदर मौजूद है? जी हाँ, जापान के सुसुमी बे में एक ऐसा ही पोस्ट ऑफिस मौजूद है जो पानी से काफ़ी अंदर है। यह पोस्ट ऑफिस पानी में करीब 10 मीटर नीचे है। इसे वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। तब से अब तक इससे कुल लगभग 3200 के आसपास मेल आइटम्स को पोस्ट किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 5, आप सभी ने फिल्मों में देखा होगा कि कुछ पेंटिंग की कीमत करोड़ों रुपये में होती है, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसी पेंटिंग मौजूद हैं जो काफ़ी महंगी हैं। उन्हीं में से एक है सलोडार मुंडी पेंटिंग। इसके पेंटकार लियोनार्डो दा विंची हैं, जिन्होंने इसे 15वीं शताब्दी के आसपास बनाया था। वर्ष 2017 में हुए एक ऑक्शन में इस पेंटिंग को 450 मिलियन डॉलर से अधिक की कीमत में नीलाम किया गया था। यह अब तक की दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती है। फैक्ट नंबर 4, आपने एस्टेरॉयड क्रेटर के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड क्रेटर कौन है? तो चलिए बताते हैं। पृथ्वी पर अब तक खोजा गया सबसे बड़ा एस्टेरॉयड क्रेटर वेडे फोर्ट है, जो कि साउथ अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रांत में मौजूद है। इसका व्यास करीब 160 किलोमीटर तक है। यह आज से करीब 2,23,00,000,000 साल पहले एक 15 किलोमीटर व्यास वाले उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण बना था। तब इसका व्यास करीब 300 किलोमीटर था, लेकिन वक्त के साथ यह काफ़ी छोटा हो गया है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है तो आप कहेंगे सहारा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि रेगिस्तान सिर्फ बहुत गर्म और रेत वाले इलाकों को कहा जाता है, जो कि सच नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष केवल 200 mm से भी कम बारिश होती है, इसलिए अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है, जबकि सहारा मरुस्थल भी दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। फैक्ट नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के कुल 71% भाग पर पानी मौजूद है, लेकिन
ये भी जानते हैं कि ये पूरा पानी हमारे पीने के योग्य नहीं है। कुल 71% में से 3% पानी ही हमारे पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% पानी ग्लेशियरों उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर बर्फ के रूप में जमा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये सारा बर्फ एक साथ पिघल जाए तो समुद्र का जल स्तर करीब 230 फुट तक उठ जाएगा और हमारे पास मौजूद कुल पानी का 2.4% हिस्सा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में मिलने के कारण ये पानी खारा हो जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि पानी को जितना हो सके संचित करें। फैक्ट नंबर 1, आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्लेन आसमान में उड़ रहा होता है तो अपने पीछे एक सफ़ेद धुएं जैसी लाइन छोड़ता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं। दरअसल इस सफ़ेद लाइन को कैटरेल कहा जाता है। यह लाइन इसलिए बनती है क्योंकि प्लेन काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं जहाँ तापमान -40°C तक होता है, जिससे ईंधन के जलने के बाद निकलने वाली गैस में मौजूद नमी तेजी से ठंडी होकर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में बदल जाती है। ये क्रिस्टल सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसके कारण हमें यह सफ़ेद लाइन दिखाई देती है।